Assalamualaikum friends, welcome back to Mudas Kitchen Official. Today I am sharing easy, quick and full of flavor coconut milk chicken curry which is very simple and delicious. आप इस creamy chicken curry को serve करें as a lunch or dinner with any kind of rice, chapati, paratha or bread. So do try this recipe and enjoy. Let's start with the recipe. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियोस की अपडेट मिल सके। कोकोनट मिल्क चिकन करी बनाने के लिए फर्स्ट कुकिंग पैन में हाफ कप ऑयल हीट करने के लिए रख दें। यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल ले लें या फिर सनफ्लावर ऑयल, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल हीट हो जाए इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून शाहजीरा। शाहजीरा ना हो तो नॉर्मल ज़ीरा ले लें। स्मॉल पीस ऑफ सिनेमम स्टिक एंड 4 ग्रीन कार्डमम। अब इन स्पाइसेस को 15 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे ऑयल में एंड फिर ऐड करेंगे ये 2 लार्ज स्लाइस्ड अनियन, 10 ग्रीन चिलीज एंड सौते करेंगे। अनियन को कवर करेंगे एंड सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। ये देखिए फ्रेंड्स, अनियन सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ये फ्रेश चिकन विद बोन ऐड करेंगे। ये 1 kg चिकन है एंड साथ ही 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड फ्यू करी लीव्स डालकर अच्छे से भूनेंगे ऑन हाई फ्लेम फॉर 5 मिनट्स। चिकन को भून लेने के बाद 5 मिनट तक फ्लेम को नॉर्मल यानी कि मीडियम पर कर दें एंड फिर ये कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करें। 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून चिकन कोमा मसाला। ये रेडीमेड है, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। अगर ना मिले तो कोई भी मीट या चिकन मसाला ऐड कर लें जो आपके पास अवेलेबल हो एंड ये 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अब इन सबको भी अच्छे से मिला लेंगे एंड फिर भुनेंगे चिकन को फॉर 5 मिनट्स सो दैट सारे मसाले जो अभी ऐड किए हैं वो कुक हो जाए एंड ऑयल भी सेपरेट हो जाए। चिकन को भुनने के बाद ऐड करते हैं 1 ग्लास वाटर। ये मैंने गर्म पानी ऐड किया है, आप भी पॉसिबल हो तो गर्म पानी ही ऐड करें एंड एक बार मिक्स कर कवर करेंगे एंड कुक करने के लिए रख देंगे फॉर 20 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम, जब तक चिकन सॉफ्ट एंड टेंडर ना हो जाए। बीच बीच में 1-2 बार चिकन को चेक कर लें एंड स्टर कर लें। 20 मिनट्स हो चुके हैं चिकन को कुक होते हुए, लीड ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, चिकन कुक हो गया है प्लस सॉफ्ट एंड टेंडर भी। अब फ्लेम को लो पर कर देंगे एंड ये कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे एंड ये मैंने 2 कोकोनट को ग्रेट कर उसको ब्लेंड कर ऐसे मिल्क एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब लो फ्लेम पर ही करी को ऐसे स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली एक बॉईल आने तक। इसे छोड़ना नहीं है वरना ग्रेवी का टेक्सचर जो है ख़राब हो जाएगा, इसीलिए लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाते रहे। फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रेवी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें ये 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे एंड साथ ही 1 टेबलस्पून ड्राइड फेनिग्रीक लीव्स एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एंड दोबारा से एक बॉयल आने तक कुक करेंगे। इस ग्रेवी को जितना कुक करोगे उतना थिक हो जाएगी, इसीलिए आप इसी स्टेज पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से ग्रेवी में वाटर ऐड कर लें एंड सॉल्ट भी चेक कर लें। ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है दोबारा से। अब फ्लेम को ऑफ करते हैं एंड इसे डिश आउट करते हैं। ये रही क्रीमी और इजी कोकोनट मिल्क चिकन करी जो बहुत ही सिंपल है एंड डिलीशियस भी एंड बहुत कम टाइम में प्रिपेयर भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई करें एंड एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।